मेरे प्रिय, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होने चले गए और मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुम नहा के मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़बुन में लग गए कि आज तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पकड़ी तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे, पर तुमने थोड़ी देर पेपर पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल से, और मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे, लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया कि जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे तो भी मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन यह भी नहीं हुआ। दिन का भी काफी समय बचा था। मुझे लगा कि शायद इस बचे समय में हमारी कुछ बातचीत हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए, और जब वो काम निबट गए तो तुमने टीवी खोल लिया और घंटों तक टीवी देखते रहे। देर रात थक कर तुम बिस्तर पर सो गए। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताऊं, तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारा, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो। लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मार कर ही रह गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हर रोज इस बात का इंतजार करता हूं कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा शुक्रिया करोगे, पर तुम तभी आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है। तुम जल्दी में आते हो और अपनी मांगे मेरे आगे रखकर चले जाते हो, और मजे की बात तो यह है कि इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुमसे प्यार है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम प्यार ही तो है, तुम्हारा यीशु मसीह।